एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। स्वागत तो करो हमारा। अरे तेरे को दिखता नहीं मेरे साथ कितने आदमी है। सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार करते हैं। क्या सलमान ने सजेस्ट किया साजिद वाजिद का नाम? क्या शकीरा भी थी जलवा की फैन? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। जब भी हम वांटेड फिल्म का जलवा गाना सुनते हैं, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा, क्या मेरा ही जलवा। तब ऐसा लगता है कि सलमान ने उस वक्त ठान ली थी कि आगे चल के बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिर्फ उनका ही जलवा दिखाई देगा, और वैसे हो भी रहा है। सलमान का ये जादू उनका करियर खत्म होने के बाद भी कम नहीं होने वाला। खैर, हम फिल्म पर फोकस करते हैं। वांटेड से सक्सेस हासिल करने के 11 साल बाद अब उसी टाइटल के साथ फिल्म का दूसरा पार्ट लाने की चर्चा चल रही है। वांटेड फिल्म में सलमान ने एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था। फिल्म एक्शन थ्रिलर सस्पेंस से भरी थी। देखा जाए तो सलमान के 2009 से लेकर अभी तक के करियर में उन्होंने ज्यादातर एक्शन थ्रिलर पर ही काम किया है, और इसकी वजह ये है कि उसमें उन्हें सुपर हीरो का अंदाज देखने को मिलता है और ये हीरोइज्म सेंट्रिक फिल्में होती हैं। यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सलमान पर ही फोकस होता है। अभी उनकी फिल्में हिट होने के पीछे बहुत चीजों का हाथ होता है। उसमें फिल्म के गाने भी उतने पॉपुलर होते हैं कि छोटा बच्चा भी उसकी कॉपी करता है। इसके लिए अभी जो हमने जलवा गाना गाया उससे लेकर उनकी फिल्म दबंग तक जिन्होंने अपने म्यूजिक का जलवा दिखाया, उस साजिद वाजिद की जोड़ी को हम नहीं भूल सकते। जी हाँ, वही साजिद वाजिद जिन्होंने सलमान के साथ अपने करियर की शुरुआत की और आज तक उनके साथ हैं। जलवा गाने के दौरान एक ऐसा किस्सा हुआ कि जहाँ पर साजिद और वाजिद को सलमान के लिए एक ऐसा गाना बनाना था जो फायर की तरह हो, क्योंकि उन्हें पता था कि सलमान का रोमांटिक फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं होता, वो अतरंगी गानों से ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इसलिए उन्होंने प्रभु देवा से बात करके इस गाने को कंपोज करने का फैसला किया। हालांकि प्रभु देवा को अच्छी हिंदी नहीं आती, इसलिए वो कुछ सजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, पर उन्होंने यही कहा कि ये सलमान का बेस्ट इंट्रोडक्शन सॉन्ग होना चाहिए। फिर गाना सलमान को सुनाया गया और वो काफी खुश हुए, क्योंकि उन्हें साजिद वाजिद के काम पर भरोसा था। और अगर आपको पता नहीं हो तो बता दे कि 2010 से लेकर 2013 तक साजिद वाजिद ने सारे बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में सलमान के ही गाने गाए हैं, इसलिए तो सलमान ने साजिद वाजिद का नाम ही सजेस्ट किया था। और अब वांटेड 2 में भी हमें ऐसे ही धमाकेदार गाने सुनने को मिलेंगे, क्योंकि सलमान ये काम साजिद को ही देंगे, इस बात में कोई शक नहीं, क्योंकि ये एक म्यूजिक डायरेक्टर और एक्टर की तरह नहीं बल्कि भाइयों की तरह एक दूसरे से बर्ताव करते हैं। पर अफसोस हमें इस बात का है कि हम सिर्फ साजिद का ही नाम ले सकते हैं, क्योंकि उनके भाई वाजिद खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। किडनी इन्फेक्शन की वजह से उनकी 2020 में ही मौत हो गई थी, और इस कारण सलमान और साजिद को काफी बड़ा झटका लगा था। पर सलमान चाहते हैं कि साजिद वांटेड में गाना कंपोज करे और ऐसा ही समझे कि वाजिद उनके साथ है। सच में ये फिल्म साजिद को ही करनी चाहिए, क्योंकि उनके गाने का जलवा सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी पहुंच चुका है। आपको पता है वो कौन सा शख्स है जो इस गाने का दीवाना हो गया था? कोलंबियन पॉप सिंगर शकीरा। जी हाँ, शकीरा को ये गाना काफी पसंद आया था। वो साजिद और वाजिद के साथ अपनी अगली एल्बम में काम करना चाहती थी। बात ये है कि शकीरा के प्रोग्राम्स और अरेंज आर्ची पैना, जो एक पॉपुलर ड्रमर हैं, जिन्होंने 300 से ज्यादा एल्बम्स में काम किया है, उन्हें इस जोड़ी के साथ जलवा गाने में एज अ ड्रमर काम किया, और ये बात शकीरा के कानों तक पहुंची और वो अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाई। तो देखा आपने कितना कमाल का काम किया, जिसे शकीरा ने भी नोटिस किया, और कहीं ना कहीं इसके लिए सलमान भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उस दौरान तो सलमान फिल्म से लेकर कुछ डिसाइड नहीं करते थे, पर वो सुझाव जरूर देते थे। अगर उन्हें किसी यंग टैलेंट को भी फिल्म में लेना हो तो वो बोनी कपूर से बात करते थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि वांटेड 2 में भी हमें ऐसे ही दमदार गाने सुनने को मिले, और
इतना ही नहीं बल्कि साजिद अपने साथ रियलिटी शो सारे गामा पास सीजन 2018 के कुछ कंटेस्टेंट्स को भी मौका देंगे जिसमें वाजिद जज बने थे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।